संस्कृति अपने पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल में नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हालचाल हैरान बोल के हालचाल हैरान हाय दगड़ियो तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करें अभी हाँ तो अभी मून वो हम शहद निकालेंगे मधुमक्खियों के मधुमक्खी पालन कर रखे हैं यहाँ पे तीन पेटी बना रखी हैं तो आपको दिखाते हैं आगे का व्लॉग पेटी रखी है बोल रही है मधुमक्खियों की मुनर ढाड़ बोलते हैं जिसको पहाड़ी में मुनर ढाड़ तो उसमें से अभी शहद वगैरह निकालेंगे देखते हैं कितना निकला है हर 6 महीने के बाद निकालते हैं तो चलिए आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो अभी ऊपर से ताऊ को बुलाया है वो पूरे गांव का शहद वही निकालते ज़्यादातर ताऊ उनको क्योंकि मधुमक्खी जब शहद निकालते तो मधुमक्खी काटती है तो उनको कोई असर नहीं करता उतना मधुमक्खी के काटने से है ना ये यूवी मेरे आँख में लगेगी यार यूवी इतनी शैतान हो गई है ना अभी हम निकालेंगे शहद मून से मून से मधुमक्खी को निकालने के लिए धुआं लगाया है पहले मधुमक्खी आएंगी अब बाहर नहीं आएंगी वो देखो शहद दिख रहा है दगड़ी वो देखो ये देखो मून भी है दगड़े होगा मेरे को मून चटकाएंगे तो मैं मोटी तो मेरा मुंह मोटा मोटा हो जाएगा अभी मून आएंगे फिर मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी मैं अब जबरदस्ती मून को चिपका के चटकवाऊंगी मधुमक्खियों से बचने के लिए मास्क बहुत शक्तिशाली है इसमें से साफ करेंगे अब इसमें मून तो बहुत सारे अबे मून को गुस्सा आ रहा है कि हमारे छत्तों को क्यों तोड़ रहे हैं करके पाल तो भावे के सर पे मून जगह में निकालनी है पकड़ के निकाल दो रुको कौन का बनना है अभी को देखो यहाँ पे चुप रहेगी बचपन में काटा है मेरे को अब तो पता नहीं लोहा घिस दो जल्दी से मून काटता है तो कम सूझता है मत करना ये देखो भाभी और ये देखो दोनों मून से चटकवा रहे हैं एक दूसरे को अच्छा तगड़ा वाला लेके आओगे क्या ओ भगवान मैं काटा है ना दो काट रहा है वहां है ना तू तो दगड़ियों देखो कितने मून आ चुके हैं मून मतलब मधुमक्खियां ये देखो सारी मधुमक्खियां आ चुके हैं पालतू हैं अभी अपने बॉक्स में चले जाएंगे थोड़ी देर बाद शहद निकला थोड़ा ही निकला अब तो भाभी को जाना ही पड़ेगा बाहर देखो मैं तो ऐसे आ जाती हूँ यहाँ से बाहर नहीं आऊंगी पर ये देख ओ भाई काट दिया तो दगड़ियो अभी एक पेटी से निकाला है शहद अब दूसरी पेटी निकालनी है दूसरी पेटी एक और जगह पे है वहाँ पे निकला इस बार कम निकला ये एक्स्ट्रा उनका इन्होंने अपना ये इतना सारा खा दिया खुद ही ये खाली खोखला है ये खोखला है और उसमें है शहद दिखाओ
इसमें शहद है, इससे निकलेगा शहद। ये देखो यहाँ पहले ही पहुंच रहेगा सुरक्षा कवच लेके। ये देखो ना ये मुंह से चटकवा रहे हैं एक दूसरे को। क्यों चटकवा रहे हो? ये देखो मुंह से जबरदस्ती कटवा रहे हैं। मुंह है कि कोई मुंह नहीं काट रहा पंकज को। हो गया। ओह नो गाइस, काम हो चुका है। इसने लाइक इट क्यों कर रहा है ये? अब इसकी खाल निकाल दूं? और निकाला सीधा होगा, थोड़ी देर में निकालना। ओह गॉड, क्यों कटवाया? मेरे खून नसों में खून बढ़ चुका। उसने मधुमक्खी से चटकवाया है खुद को और इसमें साथ दिया है इन्होंने, भाभी ने उसका। दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा। अबे मधुमक्खी बनने वाला है दगड़िया, निकालना उसको। अभी खाल निकाल दे। मजा आ रहा है ऐसी ऐसी बात। इसको उठा के बहनों के हाथ में चिपका दे और ये और काम करेगा। हैं? मैं मरता नहीं जाऊंगी। इसलिए तो इसने ले लिया है। ये देखो मून का जहर ले रहे हैं ये लोग। सस्ते नशे। सस्ते नशे करते हैं ये भाभी। सस्ते नशे करवा दिए। देख यहाँ मुने डाड़ पहाड़िया बोलते थे मुने डाड़। बहुत लोग बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं ना, इसलिए मधुमक्खी की पेटी बोलना पड़ रहा है। अभी भाभी भागेंगे यहाँ से लग रहा है मेरे को। अभी वो आएंगे। नहीं आएंगे अभी, जैसे मधुमक्खियाँ बाहर आएंगे भाभी भाग जाएंगे यहाँ से गोली बन के। गाइस मेरे को मुन्ने काट दिया, ये देखो उसकी खाल। हाँ चक्कू नीचे ही था। नहीं ये देखो मुन्ने मुन्न के खाल इसी के अंदर है। निकाल दे। झुंझुनाहट फील हो रही है मेरे को। मैं मधुमक्खी बनने वाली हूँ अब। अब ये सूज जाएगा, मेरा हाथ सूज जाएगा। गाइस मैं मोटी होने वाली हूँ। भानु चफल अपना हाथ चेक कर रही है, इसका मुन्ने काट दिया है। मेरा भी काटा था। हाँ निकाल दिया। नस में है तेरा? नस में काटा है मेरे? नहीं नस से थोड़ा सा पीछे है। अच्छा। और मैं आपको अगले व्लॉग में कल तक तो सूज जाएगा मेरा हाथ। अभी सूजेगा कल पल तक तो। गाइस मैं मधुमक्खियों की रानी बनने वाली हूं, मेरे को मधुमक्खी ने काटा है। इस साइड से सफाई कर दिया, इसको लीप के ढक रहे हैं मिट्टी से। इतनी मधुमक्खी दिख रही है यहाँ से तो। कि भागो ना गनु निकाल लियो। ये दी निकाल में बैठ ना घूमर जाला। तो अभी ये इनका इन्होंने शहद बनाया नहीं कि इनको फूलों में रस ही नहीं मिला होगा कहीं है। पंकज तूने तो नहीं खाया सारा रस? फूलों का रस इसने खाया है सारा शायद। इसकी शक्ल अब मुन बाहर आएंगे। आगे बाहर मेरे को काटेंगे। हाँ कहीं काट तो दिया ही है। ये देखो बाहर आ चुके हैं मुन। देखो इतना वेस्ट निकला। वेस्ट क्या, इन्होंने खा दिया अपना शहद ही सारा। चार पांच हैं, बहुत सारे हैं। क्या हुआ? चल 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 भागो यहाँ से। जब बच्चा कुछ ऐसा कमरे में रख देना मंदिर वाले। तो दो जगह से शहद निकाल दिया है, अभी एक जगह और बचे तो अभी वहाँ जा रहे। ये देखो भाभी को कितनी दूर बैठी है मधुमक्खी के डर से, यहाँ से देख रहे हैं। एक यहाँ पे है, अभी सूजा नहीं मेरा हाथ इतना, ऐसे ही हो रखा है। तू दिखा अपना हाथ। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी हमारे हाथ को।
झुंझुनाहट हो रही है बस। अभी हाथ मत चाटियो, अभी नहीं खा सकते, पहले ऊपर चढ़ाना होता है शहद, देवी देवताओं के लिए रखना होता है, फिर उसके बाद हम खा सकते हैं। इसे काट दिया मधुमक्खी ने। इस वाले में से इतना निकला, बाकी एक्स्ट्रा उसमें रखा हुआ है जो ख़राब है, ख़राब नहीं मतलब जो खा चुका है मधुमक्खियों ने, अब उसको बंद कर रहे हैं। बस तीन पेटियां हो गई, हम इसको अंदर ले जाते हैं वरना मधुमक्खियां ये देखो खाने के लिए आ रही है, देखो ये पी रही है जूस, शहद खा रही है। तो दगड़ियों अब तीनों पेटी में से शहद निकाल दिया है और अभी उसको हम शाम को जो है अभी उसे ढक के रख दिया है नीचे, वरना सारे मधुमक्खी जो है उसमें अटैक कर देंगे करके, तो वो ढक के रखा है। अब शाम को उसमें से शहद निकालेंगे, बाकी सारे जो डब्बे थे वो लेप दिए हैं मिट्टी से, अब उसे 6 महीने के बाद अब दोबारा से उसमें से शहद निकालेंगे। इस बार जो है कम शहद हुआ क्योंकि जंगल इतने फूल वगैरह उन्हें मिले नहीं होंगे, तो इस वजह से। यूवी ने क्या करा है शैतानी, आपको दिखाती हूँ मैं। अभी यूवी ने एक शैतानी करी है, उसकी मम्मी ने उसको मारा, फिर मारा तो नहीं डांटा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको यूवी ने क्या करा है। दिखाऊँ? आ जा, दिखाती हूँ यूवी ने क्या करा है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो ये जो पेंट दिख रहा है ना ब्लू ब्लू आपको, ये सारा ये इसने करा है यूवी ने। क्यों करा है यूवी ये? अच्छा लग रहा है ये? कोई अच्छा लग रहा है ये? इससे इसके मम्मी ने पूछा ये गंदा क्यों करा, तो बोल रही है बुआ ने करा ये गंदा, बोल रही है ये अच्छा वाला किसने करा, फिर वाइट वाला बोल रही है अच्छा वाला मैंने करा। ये देखो पूरा पेंट लगा दिया इसने पूरे में, और पता भी नहीं चला, यहाँ पे डिब्बा रखा हुआ था पेंट का, ऊपर रखा था ये डिब्बा, पता नहीं कैसे निकाला इसने, पूरा यहाँ पे भी लगा रखा है इसने, दरवाजों पे हर जगह पूरा पेंट ही पेंट कर दिया, शहद पूरा मैश कर दिया। अब इसको छानेंगे। लो पहाड़ी घरों में आपको इस बोतल में शहद, घी या चूख जरूर मिलेगा डला हुआ। मतलब।